गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो सॉरी इतने टाइम से वीडियोस अपलोड ना करने के लिए, बट अब बकवास किए बगैर स्टोरी स्टार्टिंग करते हैं। अब हम देखते हैं सीन जो के होता है हमारे शाओ और शाओ फैमिली और किम फैमिली की आपस में कोई मीटिंग हुई है और वो आपस में खर्च बात करें और फिर उस बात को सुन के वो दोनों बहुत खुश भी हो गए, तो उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि अपने बाकी कपल्स का सीन। तो जहाँ पे अभी अभी जान का फ़ोन रिंग हुआ है और उसने वो फ़ोन अटेंड किया और देखा कि वो उसकी मॉम का कॉल था, तो वो उठाए, उसने कहा यस मॉम, कहते हैं ना बेटा तुम्हें ना जिन अपने जिन ही उनके साथ जल्दी से घर आने, कहते क्यों मॉम क्या हुआ, कहते बस एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जल्दी आओ, कहते मीटिंग क्या मतलब, कहते कि ना घर में कोई आ रहा है, वह तुम लोग तो उनसे मिले हो लेकिन फिर भी मिलना जरूरी है। तो वो कहते ओ ओके मॉम ठीक है ओके बाय, क्या क्या कहते लव यू मॉम करके ना कॉल बंद कर देते और फिर जिन को बताते कि ना हमें जाना, तो फिर जिन कहता ओके ठीक है। देखते हैं हमारे नामजून का सीन जिसको उसके फादर की कॉल आई है, तो वो उन्होंने भी सेम यही बात बोली है। तो फिर अब वहाँ जा रहे हैं तीनों, मतलब हमारे किम फैमिली के 3 sons और हमारे शाओ फैमिली के 2 sons गए हैं अपने अपने फैमिलीज के घर। तो वहाँ पे जो शाओ फैमिली है वो कहते कि ना हमें किसी के घर जाना है, कहते बट कहाँ मॉम, नाम जिन पूछते हैं, कहते हैं तुम्हें पता चल जाएगा। तो फिर कहते आप घर में बैठे, तो फिर आगे उनके पेरेंट्स और पीछे जान और जिन बैठते हैं और फिर वो मैं अब निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और यहाँ हम देखते हैं हमारी किम फैमिली का सीन जहाँ के ते रेडी हो रहे होते हैं, जो शान वो होता है वो भी अपने रूम में ही होता है और जो नामजून होता है वो रेडी हो चुका होता है। तो फिर वो नीचे अपने बैंड के साथ कुछ बात कर रहा होता है और उस टाइम पे फिर डोर नॉक होता है, तो उनको पता चलता है जिन्हें उन्होंने आना था वो आ चुके हैं। तो डोर्स को ना जाके सर्वेंट्स ओपन करते हैं और फिर वहाँ पे जब नामजून होता है वो देखते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पे मिस्टर शाह और मिसेस शाह आए हैं और जिन और ना जान भी आए हैं। तो ये देखे ना नामजून थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं, तो पेरेंट्स स्माइल कर रहे होते हैं नामजून को देखे और फिर उनके बाद फिर ना जाके ग्रीट करते हैं एक दूसरे को सब, फिर आके बैठते हैं। और उस टाइम पे जान भी ईबो और तेंग भी आ चुके होते हैं, फिर वो भी बैठे होते हैं वहाँ पे और फिर ना वो भी ग्रीट करते हैं सबको, लेकिन कंफ्यूज होते हैं कि ये सब यहाँ क्यों आए हैं। और ना जान और जिन भी कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या घर क्यों आए हैं। तो उस टाइम पे ना जो मिस्टर किम होते हैं वो कहते हैं हमें लगता है हमें इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि ये अपने आप को एक दूसरे को जान ले, वैसे तो जानते लेकिन फिर शायद इनको और भी शायद एक दूसरे को जाने की जरूरत है, वो इस तरह कहते हैं और स्माइल करते हैं। तो फिर कहते हैं हाँ ज़रूर मिस्टर शाह बोलते हैं और फिर ना जिनको कहते हैं जाओ बेटा नामजून के साथ जाओ, कहते काम बट डैड कहते कि ना तो तुम होने वाले हस्बैंड के साथ तुम जाओ अपने होने वाले हस्बैंड के साथ, मिसेस शाह बोलती है। तो फिर ना दोनों शॉक हो जाते, कहते व्हाट मॉम, नामजून बोलता है अपने मदर की तरफ देखे। तो फिर कहते हैं हाँ हमने तुम्हारे मैरिज फिक्स किए हैं। तो फिर ना जैसे वो कुछ बोलने वाले होते हैं नाम जिन कुछ बोलने वाला होता है, तो फिर ना मिस्टर शाह कहते हैं पहले जाओ आपस में थोड़ी बात कराओ उसके बाद हमें अपना डिसीजन बता देना ठीक है, हाँ या ना, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। तो फिर दोनों सर हाँ मिलाते हैं, उसके बाद फिर गार्डन में जाते हैं और 20 मिनट्स बाद अंदर आते हैं और फिर ना दोनों मैरिज के लिए हाँ कर देते हैं। और ये देखे सारे शौक भी होते हैं लेकिन खुश भी हो जाते हैं और फिर ना सबसे ज़्यादा तेज खुश होते हैं, कहते हैं वो ट्रीट। तो फिर ना सारे उसकी तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं जिन ही आप मुझे ट्रीट देंगे और नाम जिन ही आप मुझे ट्रीट देंगे, वह ये कहते हैं। तो फिर कहते हैं ओके फाइन हम सबको ट्रीट देंगे कॉलेज में अपने सारे सब फ्रेंड्स को। तो फिर कहते हैं ओके डन हो गया। तो फिर ना कहते हैं हाँ जिन ही होंगे हमें देंगे कॉलेज में ट्रीट और जो नाम जिन ही होंगे वो हमें देंगे तो बाहर में ट्रीट, ईबो बोलते हैं। तो फिर सारे कहते ओके डन इस तरह बोलते और स्माइल करते। और फिर अब हम देख रहे कि हमारे नाम जिन का सीन के उन्होंने गार्डन में जाके क्या बात की थी, तो आइए चले कि जैसे ही नामजून और जिन वहाँ आए, तो 5 मिनट्स की साइलेंस के बाद जो नामजून है उस साइलेंस को ब्रेक करते हैं, कहते हैं कि जिन। तो फिर ना जो जिन होता है वो कहते हैं कहते कि ना क्या तुम ये मैरिज करना चाहते हो।
फिर ना जिन अब नामचल की तरफ देखने लगता है उसकी आईज में, और फुली लॉस्ट हो जाता है उसकी आईज में, और नामचल भी उसकी आईज में देख रहा होता है। और वो ना फिर तो काफी देर तक आई कांटेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर जो नामचल होता है वो जिन की तरफ थोड़ा झुकने लग जाता है, और जिन भी कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, और वो स्लोली स्लोली अपनी आईज क्लोज कर लेता है, और जो नामचल होता है वो फौरन ही जिन को किस कर लेता है, और फिर बहुत सॉफ्ट और लवली किस होती है, और जिसमें वो अपनी टंग को यूज़ नहीं करते, सिर्फ अपने लिप्स को मूव करते हैं, और फिर 2 मिनट्स के बाद वो साइड भी होते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, और फिर जिन कहते हैं वेल मैं कंफ्यूज हूँ लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है, शायद ही हमारी मैरिज लाइफ अच्छी जाएगी, उस तरह कह के स्माइल करते हैं। तो फिर नामचल भी स्माइल करते हैं, कहते हैं ओके, फिर हम मदर फादर को कहते हैं हमें कोई मसला नहीं, इस मैरिज से हम ये करना चाहते हैं। तो फिर ना जिन हाँ मैं सर हिला देते, और वो ब्लश कर रहा होता है उसकी इसकी वजह से। तो फिर नामचल कहते हैं तुम जब भी ब्लश करते हो बहुत प्यारे लगते हैं मैं जिनी। तो फिर वैसे वो भी स्माइल करता है, कहते हैं माई जूनी, वैसे तरह कहते हैं, और दोनों फिर एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं, और फिर ना जिन पर से ब्लश हो जाता है, और वो अपना फिश ब्लश फेस नामजुन के चेस्ट में छुपा लेते हैं, और नामजुन हंसने लग जाते हैं। उसके बाद वही सीन होता है कि वो अंदर आते हैं और सब सारे बात बताते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं नाइट का सीन जिसमें सब इकट्ठे आए हैं, मतलब अपने वहाँ वापस आए हैं हॉस्टल में, लेकिन हमारे जो परवट है मतलब हमारे ईशान वो अलग कार में आए हैं, और जो नामचल और जिन है वो तेंग को लेके आए हैं अलग कार में, और जो हमारे ईशान है वो कार में शुरू हो गया था, मतलब एक दूसरे को साथ एक दूसरे को किस कर रहे थे, एक दूसरे के नेक पे एक किस बना रहे थे, वहीं पे शुरू हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं क्या वो नाइट में अपने रूम में जैसे आए हैं, तो फिर वो अपने आप को इन दोनों अपने आप को मिरर में देखते हैं, और देखते हैं वो एक फुल मेस बने हुए हैं। तो फिर ना दोनों ना हंसने लग जाते हैं एक दूसरे को देख के, और उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे जो तेंग होता है वो सब जिन ओफ, जब रात को तेंग आया था रूम में तो उसने देखा था कि जो जंकुक है वो हाफ नींद में है, मतलब उसको देख के लग रहा है कि वो अब किसी टाइम भी सो जाएगा, और लेकिन वो तेंग का इंतज़ार कर रहा था, और जो जिमिन है वो उसको देख के लगा था वो इंतज़ार करते करते सोया। तो फिर ना तेंग ये देखते हैं और कहते हैं तुम लोग जा क्यों रहे थे, तुम सोए क्यों नहीं, कहते हम तुम्हारा इंतज़ार करते थे, जे के बोलते हैं, तो कहते हैं ओ अच्छा, कहते हैं और जिमिन कहते कि ना इसको मैं रूम में ले जाता, कहते हैं ठीक है, तो फिर कहते हैं तुम ठीक हो, कहते हाँ मैं तुम्हें गुड न्यूज़ दे रही हूँ लेकिन अभी तुम थके हुए तो फिर मैं तुम्हें सुबह बताऊँगा कि एक्चुअली हम क्यों गए थे अपने पेरेंट्स के घर। तो फिर कहते ओ ओके ठीक है आ जाओ, देख दी इस तरह बोलते हैं, फिर ना थैंक्स मान कहते हैं, और फिर ना वो अपने अपने बेड पे जाके सो जाते हैं, जंकुक जिमिन को लिटा देता है ब्राइडल स्टाइल में उठा के। और फिर नेक्स्ट डे का सीन होता है जहाँ पे जो तेंग होता है वो उठता है और फिर जाके प्रेशर पो के आता है, और फिर जब वो बाहर आता है तो उसने सिर्फ एक बाथरूम पहना होता है, जिसे देख के ना जो जिमिन होता है वो ना अपना सिलाई वर्क करता है, और फिर जो जेके होता है वो उसी के फुल बॉडी का देख रहा होता है, क्योंकि जो टॉवल होता है और बाथरूम होता है वो आगे से बहुत ज़्यादा रिवीलिंग होता है, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट टोन चेस्ट नज़र आए थे और उसकी फुल मिल्की लेग्स, तो जिसको देख के ना वो ना अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और उस टाइम पे जो जिमिन होता है वो फौरन ही अपने मुंह खेल लेता है, और फिर इस चीज़ को जो होता है तेंग नोटिस करता ही नहीं है, और वो जाता है अपने वार्ड रूम में से कपड़े उठाता है अपना यूनिफॉर्म कॉलेज का, और जाके चेंज करके आ जाता है वापस आराम से वॉशरूम में जाके। और फिर ना वो दोनों की हालत देखते हैं तो फिर दोनों बहुत रेड हुए होते हैं और पसीना आ रहा था उन दोनों का। तो फिर ना तो उन दोनों के पास जाते हैं और उनके ना फोरहेड को टच करते हैं, कहते क्या हुआ तुम दोनों को इतना सेट क्यों हो रहा है, तो फिर कहते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम आते थे हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तो फिर कहते हैं तो फिर क्या है कि उसके बाद फिर वो चले जाते हैं कॉलेज के लिए। देखते हैं ईशान का सीन जहाँ पे जो ईशान है उसको फील हुआ है जैसे कोई उसको किस कर रहा हो, तो फिर उसकी आईज ओपन होती है और वो देखते हैं जो ईगो है वो उसको एक एग्रेसिवली किस कर रहा था, फिर ना जो ईशान होता है वो किसके बीच में स्मेल करता है और वो भी उसको सेम पैशन से किस करने लग जाता है, और ना 5 मिनट्स के बाद वो अलग होते हैं, और फिर ना ईशान कहते हैं ये क्या था, कहते ये मेरा तरीका है तुम्हें उठाने का, तो फिर ईशान स्माइल करता है और ब्लश भी हो जाता है, फिर फौरन ही अपना यूनिफॉर्म लेता है और फौरन वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। तो फिर ना ईबो हंसने लग जाते हैं, और हम देखते हैं हमारे स्कूल का सीन जहाँ पे जो
जिया पता है वो शुगा को उठा रहा था, कहते शुगा शुगा युंगी युनी किटन कैट उठ जाओ, ग्रैंडपा उठ जाओ, तुम उठते क्यों रहे, इतना क्यों सोते हो, हम कॉलेज के लिए लेट हो गए, अगर मुझे अगर हम लेट हो गए ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो फिर जो युंगी होते कहते इतना चिल्ला क्यों रहे हो सुबह सुबह, तो फिर वो कहते हैं सुबह 7:30 हो गए, हमें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी, अगले 15 मिनट्स में हमारी क्लास स्टार्ट।